बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे गाने हैं जिसके बनने के पीछे कोई ना कोई कहानी है, कुछ दिलचस्प घटना घटती है और उस पर एक गाना बन जाता है। लेकिन एक गाना मुझे याद आता है जो 1966 की फिल्म मेरा साया के थे, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। अब इस गाने को जब आप देखेंगे तो यहाँ पर ना ये गाना बरेली में शूट हुआ है, ना तो इस गाने का कोई झुमके से मतलब है। फिर भी ये गाना फिल्म में पिक्चराइज किया गया एक मंदिर के सामने साधना पर, और ये गाना बहुत बड़ा हिट रहा। इस गाने के बनने के पीछे क्या फिलॉसफी थी? ऐसा नहीं है कि बरेली का झुमका काफी फेमस है, बरेली का झुमका कोई फेमस नहीं है, बरेली का सुरमा फेमस है, तो फिर झुमका कहां से आ गया? आज के इस एपिसोड में मैं आपसे बताऊंगा कि मेरा साया का ये गाना कैसे बना, और ये गाना जब हिट हुआ तो इसके पीछे एक कहानी क्या थी। हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद कर रहा हूं अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं गोविंद और आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर जिसका नाम है बॉलीवुड चैनल। हर जगह की कोई खासियत होती है, जैसे अगर हम इंदौर की बात करें तो वहाँ की पोहा जलेबी बहुत फेमस है, फतेहाबाद की ले तो वहाँ की गुलाब जामुन बहुत फेमस है, आगरा का पेठा बहुत फेमस है। लेकिन ये गाना मेरा साया का था, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, तो बरेली का झुमका कुछ फेमस नहीं है, वहाँ का सुरमा फेमस है। तो गाने में बरेली के झुमके का जिक्र क्यों हो रहा है? ये एक छिपी हुई कहानी है, इसके लिए हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना होगा। बात 1941 की है, क्रिसमस की छुट्टियां चल रही थी, हमारे मोस्ट सीनियर बच्चन साहब यानी कि स्वर्गीय श्री हरिवंश राय बच्चन जी छुट्टियों में अपने मित्र के यहाँ आ गए थे। एक प्रोफेसर साहब थे जो बरेली में रहा करते थे और हरिवंश राय बच्चन इलाहाबादी थे, तो छुट्टियों में इनके यहाँ प्रोफेसर साहब के पास मिलने आए। इन प्रोफेसर साहब का नाम था ज्योति प्रकाश, तो उनको ऐसा लगा कि चलो वहाँ पर कुछ छुट्टियाँ काटते हैं। तो उस वक्त ज्योति प्रकाश की पत्नी थी प्रेमा, जो कि एक कॉलेज में प्रिंसिपल हुआ करती थी, और प्रेमा की एक सहेली थी जिसका नाम था तेजीसूरी। तेजीसूरी के पिता खजान सिंह सरदार उस वक्त लाहौर में रहा करते थे, और तेजीसूरी भी उस वक्त वहां पर मेहमान बनकर उस घर में रह रही थी। जब बच्चन साहब पहुंचे तो उनकी मुलाकात तेजीसूरी से हुई, हल्की फुल्की कुछ बातचीत हुई, कुछ कविताओं का आदान प्रदान हुआ, और उसके बाद 31 तारीख को जैसे 31 दिसंबर सेलिब्रेट किया जाता है हर जगह, उसी तरह उनके एक मित्र के यहाँ पर सेलिब्रेशन था और इन लोगों को बुलाया गया। तो प्रोफेसर साहब अपनी पत्नी के साथ, बच्चन साहब और तेजी सूरी ये सारे लोग वहाँ पर गए। सारा रात जश्न का माहौल रहा। इस सारे कार्यक्रम के दौरान हरिवंश राय बच्चन और तेजी सूरी दोनों एक साथ बैठे हुए थे, उन दोनों के बीच काफी बातचीत भी हो रही थी। हरिवंश राय बच्चन के उस वक्त तक पिता की मौत हो चुकी थी और उनकी जो पहली पत्नी थी उनका भी निधन हो चुका था। तो 31 दिसंबर का कार्यक्रम जब खत्म हुआ तो उससे सारे लोग अपने घर पर वापस आ गए। यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन साहब से कहा गया कि आप कुछ कविताएं सुनाएं। हरिवंश राय बच्चन साहब ने काफी मर्मस्पर्शी कविता सुनाई जिसे सुनकर तेजी सूरी की आंखों में आंसू आने लगे और वहां पर माहौल काफी गमगीन हो गया। माहौल को इतना गमगीन देखकर प्रोफेसर साहब अपनी पत्नी के साथ वहां से चले जाते हैं उस रूम से, और यहां पर सिर्फ बच्चन साहब और तेजी सूरी रह जाती है। दूसरे दिन सुबह बातचीत में यूं ही प्रोफेसर साहब और उनकी पत्नी कहती है कि हरिवंश राय बच्चन को और तेजी सूरी को, क्योंकि तेजी सूरी का भी विवाह एक जगह तय हो चुका था विदेश में, लेकिन तेजी सूरी को रिश्ता पसंद नहीं था। तो प्रोफेसर साहब और उनकी पत्नी यूं ही उनको कहते हैं कि अगर आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो फिर शादी क्यों नहीं कर लेते हैं, और ये दोनों तैयार हो जाते हैं और एक फूल माला लाकर इन दोनों को औपचारिक रूप से एक दूसरे को पति पत्नी मान लिया जाता है, और उसके बाद कुछ समय के लिए ये लोग दोनों अलग हो जाते हैं। यानी कि तेजी सूरी अपने पिता का आशीर्वाद देने अपने घर चले जाती है,
और यहाँ हरिवंश राय बच्चन अपने इलाहाबाद पहुंच जाते हैं अपने शादी की तैयारी के लिए। और 4 जनवरी को इन दोनों का विवाह काफी धूमधाम तरीके से होता है। तो ये कहानी थी झुमका घिरा बरेली के बाजार में। असल में झुमका कुछ घिरा नहीं था, इस शब्द के पीछे कुछ छुपा हुआ है। वो छुपा यह है कि जब तेजी बच्चन से पूछा गया कि आपका झुमका क्या हुआ, तो उन्होंने यूं ही कह दिया कि झुमका गिरा रहे बरेली के बाजार में। जब हरिवंश राय बच्चन की शादी हो चुकी थी तो वो कई जगह पर जाते थे। इसी बीच उनके जो गीतकार मित्र है या कवि है उनसे पूछा करते थे आपकी शादी कैसे हुई, कैसे मुलाकात हुई तेजी सूरी से। तो इन मित्रों में संगीतकार मेहंदी अली खान भी थे और शहादत हसन मांटो भी थे। तो जब गीतकार मेहंदी अली खान को जब बच्चन साहब ने अपनी पूरी घटना की जानकारी दी, तो इसके ठीक 25 साल बाद यानी 1966 में मेहंदी अली खान ने ये गाना लिखा। गाना तो लिख दिया गया लेकिन झुमका तो बरेली में फेमस है नहीं, लेकिन अधिकतर लोग जिसके जो बरेली के बारे में जानते नहीं थे उनको यही लगता था कि बरेली का झुमका बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन बरेली काफ़ी पुराना शहर है। इसका जिक्र हमें महाभारत काल के पांचाल क्षेत्र से मिलता है। पांचाल जो प्रदेश है वही आज का बरेली है। जब ये गाना बहुत हिट बनकर उभरा तो लोगों के दिल पे बार बार ये ख्यालात आने लगे थे कि बरेली झुमका में बनता है वगैरह वगैरह। तो जो आम निवासी है उनको भी लगा कि यहाँ पर एक झुमका होना चाहिए। तो इस गीत के 1966 में बनने के बाद NH के पास एक तिराहा है जहाँ पर झुमके की आकृति की एक लैंप लगा दी गई है जिसका वजन 200 किलो है। इसकी आकृति झुमके की तरह है और इसका उद्घाटन वहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है संतोष कुमार गंगवार जब कैबिनेट में थे तो उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया। और लोग अब आते हैं और यहाँ पर सेल्फी वगैरह लेते हैं और अपने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। इसी तरह के बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। जय हिंद।